गुड इवनिंग एवरीवन। दूसरा क्रम सब्जेक्ट शुरू है हमारा, इसमें हमने वामन विरेचन बस्ती निहन स्वेदन खत्म किया। आज हम नस्य से स्टार्ट करेंगे। नस्य की व्याख्या, औषधम औषध सिद्धो वा स्नेहो नासी चाभ्याम दीयते। ऐसा सुश्रुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औषध या औषध सिद्ध स्नेह, उसमें भुरुता तेल वैसा मिर्च जो भी आ जाएगा उससे सिद्ध करके जब नासिका मार्ग से देखते हो तो उसे नस्य कहते हैं। नस्त प्रच्छर्दनम, प्रच्छर्दन ये किसका पर्याय है, नस्य का। आज का होमवर्क, विरेचन के लिए कौन सा पर्याय हमने कल देखा था, कमेंट कर लो। नासा दो अंगुल, नासा विवर 1/3 अंगुल, नस्य द्रव्य। क्या क्या द्रव्य का यूज कर सकते हैं हम, चरक ने लवण द्वय का प्रयोग बोला है, सुश्रुत ने लाक्षा लवण मध्य गोमय गोमूत्र ये सब बोला है, बागवत ने सेंधव और रसायन का प्रयोग बोला है। दोषानुसार प्रतिम और नस्य में कौन सा स्नेह यूज करेंगे, ये राइट साइड में पेन से लिखा हुआ है। वातज में वसा, पित्तज में भृत, वात पित्तज में मज्जा, वात कफज में तेल। अच्छे से देख लो, हम लोग मोस्टली प्रैक्टिस में तेल का प्रयोग ही करते हैं, अणु तेल, पंचेंद्रियवर्धक तेल या वचादि तेल, ऐसे तेलों का प्रयोग करते हैं। लेकिन घृतक का भी नस्य दे सकते हैं जब पित्त की अवस्था रहेगी। नासा दीप्त, जिसके अंदर नाक में जलन होता है, ड्राइनेस आ जाता है, एकदम जलने जैसा वेदना होता है, तो ये सब कंडीशन में हमें घृत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पित्त का शमन औषध, श्रेष्ठ शमन औषध क्या है, घी है। तो हर बार तेल ही दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि तेल उष्ण है। फिर उसके बाद नस्य के प्रकार, चरक ने चार बोले, नावन अपीड़न मापन धूमन एवं प्रतिमर्श, ऐसे पांच प्रकार बोले हैं। तो नावन नस्य स्नेहन शोधक दो टाइप्स, अपीड़न नस्य शोधन और स्तंभन, धमापन प्रकार नहीं है, धूम नस्य के प्रायोगिक विरेचनिक स्नेही, प्रतिमर्श के स्नेह और विरेचन। तो इमेजिन करना है फिर से, नावन नस्य, नावन मतलब क्या होता है, उंगली डुबाओ तेल में और वही नाक में घुमा लो, तो ये नावन नस्य। तो दो प्रकार है, स्नेहन और शोधन। तो स्नेहन करने के लिए अपने को पता है, ठीक है, उंगली डुबाया है तेल में और नाक में से घुमा दिया तो स्नेहन हो जाएगा। लेकिन शोधन, तो हम लोग नाक का जो ये रहता है, क्या बोलते हैं अलग अलग भाषा में, जो नाक का मल रहता है उसको निकालने के लिए नाखून का यूज करते हैं ना, उंगली का यूज करते हैं। तो नावन नस्य के दो प्रकार कौन से है, एक तो लगा के तेल लगा दिया और नाक का जो मैल है उसको निकाल दिया, मतलब शोधन कर दिया। इमेजिन, नावन के दो ही प्रकार है, एक को तेल लगाना और दूसरा नाक का मैल निकालना। दूसरा अवपीड़न नस्य, शोधन स्तंभन, शोधन और स्तंभन। तो अवपीड़न नस्य ये शोधन, मतलब नाक में कुछ डाला और फिर बाहर निकल गया, शोधन, और नाक में डाला और नाक में पकड़ के रख लिया, तो स्तंभन। धूमापन के कोई प्रकार नहीं है। तो धूम नस्य प्रायोगिक वैरेचनिक स्नेही, ये तो धूम के तीन प्रकार अपने को बताए, प्रायोगिक स्नेही और वैरेचनिक। प्रतिमर्शन से स्नेहन और विरेचन डेली कर सकते हैं, जो स्नेहन के भी काम में आएगा या विरेचन के भी काम में आएगा। कार्मुकता अनुसार के तीन प्रकार हैं, रेचन तर्पण शमन। रेचन नस्य जहाँ पे दोष अधिक रहेंगे तो उनका विरेचन करने के लिए रेचन नस्य, तर्पण शिरक कंप आदि जो रहेंगे रोग उसमें तर्पण करेंगे, और शमन से रक्त पित्त वगैरह रहेगा तो शमन नस्य का प्रयोग करेंगे। सुश्रुत ने दो प्रकार बोले हैं, शिरो विरेचन और स्नेहन। बागभट ने तीन प्रकार बोले हैं, विरेचन रुहन शमन नस्य। काश्यप ने दो प्रकार बोले, शोधन और पूरण, शोधन और पूरण। चारंगर ने दो बोले हैं, रेचन और स्नेहन। तो रेचन में अवपीड और प्रधमन, और स्नेहन में मर्श और प्रतिमर्शन। भोज ने दो प्रकार बोले हैं, प्रायोगिक और स्नेही। तो भोजन में स्नेह का प्रयोग होना चाहिए, तो भोजन मतलब भोज, स्नेह का प्रयोग मतलब स्नेही और प्रायोगिक स्नेह। ये दो प्रकार के हो गए। भोज, भोज का ट्रिक क्या है, भोजन में स्नेह का प्रयोग। विदेह ने दो बोले हैं, संज्ञा प्रबोधन और स्तंभन। फिर आश्रय भेद से नस्य के प्रकार सात है, फल पत्र मूल कंद पुष्प निर्यास और त्व।
दैट इज चटशोधन वृक्ष, जो वृक्ष के छह हमने देखे थे वो यही सेम टू सेम, याद रखना कि नसीम पिन का प्रयोग होता है और एक्स्ट्रा क्या है, कंद है, तो कंद का प्रयोग यहाँ पे आता है। तो नस्ते की मात्रा, तीन मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा, स्नेहन के लिए 16 बिंदु, मध्यम 32 बिंदु और उत्तम 64 बिंदु, शोधन के लिए हीन मात्रा 8 बिंदु, मध्य मात्रा 12, उत्तम मात्रा 16, विमर्श के लिए 6, 8, 10, प्रतिमर्श 2, 2, 2, कल्पना से 4 से 8। प्रारंभ क्या बोलते हैं, अगर तीक्ष्ण औषध रहेगा तो एक शाण का प्रयोग, हिंगू एक यव, सैंधव एक माश, फिर 8 शाण, औषध सिद्ध जल 3 कर्ष, मधुर द्रव्य 1 कर्ष। फिर नस्य योग्य वय क्या है, उम्र नस्य कब देना चाहिए, तो मोर देन 7 ईयर्स से दे सकते हैं, प्रतिवर्ष नस्य जन्म से दे सकते हैं, धूम ये 12 से 80 वर्ष तक दे सकते हैं, और कवल मोर देन 5 ईयर्स। हमने और विरेचन के बारे में भी देखा था, वो सब एक चीज है, लिख नस्य 7 साल के ऊपर, प्रतिवर्ष नस्य जन्म से, धूम 12 से 80, कवल 5 वर्ष के ऊपर। नस्य का काल, चरक ने क्या बोला है, प्रावृत, शरद, वसंत, तो ग्रीष्म में देना रहेगा तो पूर्वाह्न में, शीत ऋतु रहेगा तो मध्यान्ह में, और वर्षा ऋतु में अदुर्दिन। तो ग्रीष्म है तो मतलब गर्मी ज्यादा रहेगी बाहर, तो ठंडा समय कौन सा है, पूर्वाह्न, तब दे दो। जब शीत ऋतु रहेगा तो सुबह और शाम को ठंडी रहती है, बीच में धूप रहता है तो मध्यान्ह में, वर्षा ऋतु में अदुर्दिन, तो बादल वगैरह नहीं रहेंगे तब देना। सुश्रुत क्या बोलते हैं, अभुक्त काल, अन्न काल में देना है, सुबह सुबह मतलब एकदम, कफ रहेगा तो पूर्वान्न में और पित्त रहेगा तो मध्यान्ह में। नस्य द्रव्य हमने देख लिया, वातज में वसा, पित्तज में घृत, वात पित्तज में मज्जा, वात कफज में तेल, तेल उष्ण वीर्य का रहता है और वात और कफ दोनों शीत रहते हैं, इसलिए तेल कहाँ पे आया, वात कफ में है, पित्त के ऊपर घृत तो पता है अपने को, वसे वात वसे फसा। तो नेक्स्ट वात का, वात दोष में अपरान्न में देना है, हमने क्या देखा, कफ रहेगा तो पूर्वान्न में, पित्त मध्यान्न में और वात अपरान्न में, वात दोष। सौरभ किसी का तो माइक चालू है, क्या करो, सौरभ माइक चालू है, फिर सर वाग्भट क्या बोलते हैं, शीत ये मध्यान्न में, ग्रीष्म में, अपरान्न में, शरद और वसंत में, प्रातः काल में। प्रतिमर्शनस्य काल कितने हैं, सुश्रुत ने 14 बताए हैं, वाग्भट ने 15 बोले। प्रतिमर्शनस्य काल सुश्रुत ने 14, वाग्भट ने 15। नावन पीछू द्वारे नस्य, पीछू से कर सकते हैं। अर्ह कौन कौन है इसमें, अवबाहुक और दारुण प्रतिबोध। धमापन प्रधमन नस्य, नाड़ी 6 अंगुल होनी चाहिए, मात्रा 3 मुचुट्टी, ये अच्छे से याद रखो, प्रधमन नस्ते की मात्रा 3 मुचुट्टी, प्रारंभ ने 1 कोल बोला है। वस्त्रबद्ध चूर्ण रहेगा तो 1 शुक्ति लेना, ठीक है। तो धूमपान नस्य, धूम नस्य उत्कृष्ट दोष रहेंगे तो नासा द्वारे धूमपान करना है, और दोष का उत्क्लेशन करना रहेगा तो मुख से धूमपान करना, ठीक है। उत्कृष्ट दोष रहेंगे तो नासा से ही धूमपान कराएंगे, और अगर दोष उत्क्लेशन करना है तो मुख से धूमपान कराएंगे। तो नस्य द्रव्य प्रायोगिक के लिए हरेणु प्रियंगु, स्नेही के लिए जीवनी यौवन, मधुचिष्ट, विरेचन के लिए ज्योतिषमती, श्वेत पराजिता, हरता, मनशिला, तो जितने भी लेडीज के नाम हैं, ज्योति, श्वेता, पारिजात, हरताल, मनशीला, तो वैरेक्षण। फिर मर्श प्रतिमर्शन से दोनों स्नेहन से है, शारंगर क्या बोलते हैं, कफ और वात में तेल, केवल वात रहेगा तो वसा, पित्त के अंदर घृत और मज्जा, प्रतिमर्शन से प्रातः और सायं कर सकते हैं। स्वल्प स्नेह प्रमाण, तैलम एवं नस्यार्थे नित्याभ्यासेन शिष्यते, ऐसा बोलते हैं वाग्भट कि तेल का प्रयोग मोस्टली करना चाहिए नस्य के लिए, ठीक है, नस्य के लिए नित्याभ्यासेन शिष्यते, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डैश डैश एवं नस्यार्थे नित्याभ्यासेन शिष्यते, तो तैलम, नस्य धारण काल कितना है, 5
5, 7, 10, 9। नस्य पश्चात कर्म क्या है? पादतल, स्कंद, हस्त, कर्ण, मर्दन, ये सब नस्य के पश्चात कर्म में कर्म है। और 100 वाक मात्रा उत्तानशयन। पेशेंट को बोलना है लेटे रहो, 100 तक काउंट करो, हो गया तो उठ के बैठ जाओ। नस्य का अति योग हो गया तो मस्तुलुंग प्रवर्तन हो जाएगा, वात वृद्धि और इंद्रिय विभ्रम हो जाएगा। शुद्धि के नंतर की चिकित्सा क्या है? हीन शुद्धि तो कफोगन, अति शुद्धि हो गया तो वातग्न, और सम्यक शुद्धि में सर्पिनस्य। नस्य व्यापद दो ही है, दोष उत्क्लेश और दोषों का क्षय। दोषों का उत्क्लेश हो गया तो हमें वहां पे हमें शमन और शोधन चिकित्सा करनी, दोष क्षय हो गए और उनका ब्रूहन करना। धूमपान, वय मर्यादा क्या है? 12 से 80। धूमपान के लिए 12 से 80 वर्ष तक दे सकते हैं। प्रकार चरक में 3 बोले हैं, प्रायोगिक, वैचारिक, स्नेहिक। तो श्रुत ने 5 बोले हैं, ये जो 3 है वो तो है, और कालसगनी और वामन ये धूमपान बोला है। वाग्भट ने 3 बोले, स्निग्ध, मध्य, तीक्ष्ण धूम। तारंगभर ने 6 बोले हैं, जो 5 बोले थे सुश्रुत ने वो सब दस व्रण धूपन। धूमपान नाक से कौन सा लेना है, मुख से कौन सा लेना है, और नासा और मुख दोनों से कौन सा लेना है? तो जब प्रायोगिक और वैरेचनिक धूमपान करवाना होगा तो नासा से देना है। जब मुख से कब देना है? जब प्रसगन और वामनीय धूमपान करवाना रहेगा तो मुख से देंगे। नासा और मुख दोनों स्नेहिक, स्नेह तो सब जगह चाहिए, नासा में, मुख में, इसलिए स्नेहिक नासा और मुख में। मुख में खांसी कहाँ पे आती है? मुख में। वमन कहाँ से होता है? मुंह से होता है। तो मुख से ये दोनों और बचे हुए नासा से। धूमवत चरक ने 8 अंगुल बोला है, वाग्भट ने 9 अंगुल बोला है, सुश्रुत ने 12 अंगुल बोला है। काल नहीं धूम यावद अश्रु प्रवृत्ति, कब तक करना है? नहीं धूम जब तक अश्रु नाक से आंसू नहीं निकलेंगे तब तक। वरेचनिक आदोष दर्शन, वरेचनिक धूमपान आदोष दर्शन। तासघन ग्रासांतरे और वामनीय तिल तंडुल ये वागु पीते हैं, ये सब पिला के उसके बाद वामनीय धूमपान देना। धूम नेत्र त्रिकोष होना चाहिए, प्रायोगिक नहीं विरेचनिक का सघना, इनका प्रमाण कितना होना चाहिए और परिणाम होना चाहिए। तो प्रायोगिक 36 अंगुल, वाग्भट 40 अंगुल, सुश्रुत 48 अंगुल। कलाय स्रोत स्नेहिक 32, 32, 32 और कलाय स्रोत। और वैरेचनिक 24, 24, 24 कलाय स्रोत। खासग्न धूमपान ये वाग्भट ने बोला है 10 अंगुल, सुश्रुत ने बोला है 16 अंगुल। कोल अस्थि स्रोत इतना होना चाहिए। फिर उसके बाद वामनीय और व्रण धूमपान, वामनीय ये भी सुश्रुत ने 16 अंगुल और अष्टांग संग्रह ने 10 अंगुल बोला है। और कोलास्थि स्रोत रहना चाहिए छिद्रोष का। व्रण धूपन यंत्र संग्रह ने 8 अंगुल का बोला है, सुश्रुत ने भी 8 अंगुल का बोला है। और कुलत्थ स्रोत उसका जो बीच का है हॉलो स्पेस, वो कुलत्थ जाना चाहिए, इतना होना चाहिए। फिर प्रायोगिक धूमपान काल 8 बताए हैं, उसमें से त्रिविध धूमपान काल सुश्रुत ने 12 बोले हैं। तो उसमें से प्रायोगिक के 4, स्नेही के 5 और वैरेचनिक के 8 है। वाग्भट ने 8 बोले हैं, जिसमें से तीक्ष्ण 5 है और मृदु 11। कवल और गंडूष, कवल का मतलब क्या होता है? सुख संचारी मात्र, मुंह में जिसको घुमा सकते तो वो कवल, और गंडूष असंचारी मुख मात्र, तो मुंह में लेने के बाद असंचारी मुख घुमा नहीं सकते वो गंडूष। के बाद तारंगभर क्या बोलते हैं? कवल के लिए कल्प का प्रयोग करो और गंडूष के लिए द्रव। तो क से कवल, क से कल्प, गंडूष मुंह भर के रखना पड़ेगा इसलिए द्रव। प्रकार कवल और गंडूष के 4-4 प्रकार। तो कवल स्नेहन प्रसादन शोधन रोपण और गंडूष के 4 प्रकार, स्निग्ध शमन शोधन रोपण। उसके बाद गंडूष के द्रव्य कुछ लिखे लेफ्ट साइड में, और वो कहाँ पे यूज करना है वो सब लिखा है। फॉर एग्जाम्पल तिलक कल्प, जैसा गंडूष कहाँ पे देंगे हम? जब दंत रोग होगा,
वापस मकर होगा तो तिलक कल्पक संदेश देंगे। मुंह में तेल और मांस रस पकड़ने के लिए नित्य धारण, ये पहला क्वेश्चन। यह नित्य धारण के लिए जंडिस में हम किस द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं, तो मांस रस का और तेल का। ये जब हम अभी चैप्टर पढ़ रहे थे सूत्र स्थान भाषी हमने कंप्लीट किया है, तो इसमें डिटेल में देखा है हमने। फिर सर्पी और पय, व्रणपाक, पेशेंट आते मुंह में अल्सर्स, यानी कि अगर हमने चालू किया तो वहां पे पेशेंट को बोल सकते हैं दूध से मुख ये गंडूस कर लो बिठा कर, दाह रहेगा, विष क्षार अग्निदग्ध रहेगा, तो सर्पी और पय का कर सकते हैं। मधु, मुख वैशद्य करने के लिए मधु का गंडूस, दाह के लिए, तृष्णा के लिए। और कांजी, मुख वैरस्य, मुख वैरस्य और दौर्गंध्य में कर सकते हैं इसका प्रयोग। फिर इसके बाद रक्त मोक्षण, तो रक्त के पांच भौतिक तत्व गुण कौन से कौन से है, विसरता, द्रवता, रागा, संद्रंग, लघुता, यथा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब याद कर लो अच्छे से। देह से रुद्रम मूलम, रुद्र रहने हुए धारित है, देह का मूल क्या है, रुधिर है, इसलिए उसका अच्छे से धारण करना चाहिए। रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त को ही जीव बोला है, इसीलिए रक्त मोक्षण में शुद्ध रक्त नहीं जाना चाहिए। जीव यति प्राणम धारयति जीवितम, जो जीव बोला है तो जो प्राण का धारण करता है इसीलिए उसको जीवित बोलते हैं, आजकल हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजन है इसलिए। रक्त दुष्टि के हेतु भुक्त्वा दिवासो, आप खाने के बाद सोना, आजकल स्टूडेंट्स में भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, खाना खाया और सोया पड़ा, लेक्चर में भी सो गए। सर्दी वेग धारण, शरद ऋतु, प्राकृत शरद ऋतु में सबको रक्त दृष्टि होती है, इसलिए सबको हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं। रक्त मोक्षण के प्रकार दो है, सशस्त्र अशस्त्र। सशस्त्र के अंदर दो प्रकार, प्रच्छान्न और शिरावेद, और अशस्त्र के अंदर तीन टाइप, श्रृंग जलौ का अलावु, एक घटी यंत्र भी बोला गया है। तो दोषानुसार रक्त मोक्षण तिरक ने बोला है, वातज में श्रृंग, पित्त में जलौ का, कफ में अलावु। बागभट क्या बोलते हैं, कफोवात में अलाबु और घटिका, और वात पित्त में श्रृंग। फिर रक्त की अवस्था अनुसार इसको जरा अच्छे से ध्यान रखना, प्रैक्टिकली भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट बोलेगा मुझे तो यहाँ पे दुख रहा है, आपने जलों का वहां छोड़ के यहाँ पे लगाइए, तो अपने को पता होना चाहिए कि वो अवगाढ़ ग्रथित रक्त और वो कितने एरिया में काम करता है जलों का। तो अगर अवगाढ़ रहेगा व्याधि, ग्रथित रक्त रहेगा, क्लॉट्स रहेंगे, कंट्यूजन वगैरह में जब हो जाता है मुक्का हमारे जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर जलौका का प्रयोग कर सकते हैं। पिंडित एक देशस्थ रक्त, पिंडित मतलब प्लस, और एक देशस्थ रहेगा तो प्रच्छान्न कर्म, सर्वांग व्यापक रहेगा दोष दृष्टि, तो वहां पे शिरावेद का प्रयोग, त्वचित स्थित रहेगा तो श्रृंग और अलाबु का प्रयोग। फिर उसके बाद आतुर अवस्था के अनुसार रक्तमोक्षण, असुकुमार रहेगा तो प्रच्छान्न और शिरावेद, सुकुमार रहेगा तो श्रृंग और अलाबु, परम सुकुमार रहेगा तो जलौका। जी का क्वेश्चन है, सुकुमार में क्या रहेगा, ऑप्शन आ जाएगा श्रृंग, जलौका, अलाबु। तो तुम अगर एकदम से देखोगे तो जलौका पे टिक कर सकते हो, लेकिन परम सुकुमार रहेगा तो जलौका, सुकुमार में श्रृंग और अलाबु है। रक्त दृष्टि का स्थान बलियन का बोला है, उत्तान रक्त दृष्टि रहेगा तो प्रच्छान्न यूज करेंगे, अवगाढ़ रहेगा तो जलौका, और थोड़ा डीप रहेगा तो तुम्बी, और थोड़ा डीप रहेगा तो श्रृंग, और सर्वांग रहेगा अवगाढ़तम रहेगा तो शिरावेद। बद्ध मूल गुल्म और शस्त्र कर्म के लिए घटी यंत्र, दोष हरण सामर्थ्य, कितने एरिया से दोष हरण कर सकता है जलौका, हस्त मात्र, तुम्बी 12 अंगुल, श्रृंग 10 अंगुल, पद 1 अंगुल, और शिरा सर्वांग शोधन। फिर इसके बाद जलौका उच्चारण, ने जलौका का नामतः वर्णन किया, ये हमने शल्य शास्त्र में देखा था। फिर सविष जलौका, निर्विष जलौका, उत्पत्ति सविष जलौका की कहाँ से होती है, मत्स्य, कीटक, मूत्र पुरुष, उनके खोद से होती है सविष जलौका, और निर्विष कहाँ पे मिलती है, यवन, पांड्या, सय्यप, पौतन, ये चार नाम याद रखो, इस प्रदेश में निर्विष जलौका मिलती है, यवन,
कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मुशिका, पुंडरीकमुखी, सावरी। वाग्भट ने परम प्रमाण 18 अंगुल बोला है, मनुष्य के लिए 4, 5, 6 अंगुल वाला यूज कर सकते। फिर से जलौका का संग्रहण काल शरद ऋतु, तो अच्छे से याद रखो, जलौका संग्रहण काल शरद ऋतु। जल और भक्ष्य ये हर 2-3 दिन में बदलना चाहिए। घट संक्रमण सुश्रुत ने हर 7वें दिन बोला है, वाग्भट ने 5वें दिन पे बोला है। जलौका और चारण पूर्वी, जलौका शुद्धि, जलौका लगाने से पहले जलौका शुद्धि करनी है। सुश्रुत ने सरसप और हरिद्रा जल, हरिद्रा जल हम कॉमनली यूज करते हैं, सरसप पे क्या करता है। वाग्भट ने अवंती सोम, अवंती सोम किसका पर्याय है, कांजी का, या तक्रम्य करने के लिए बोला है। शुद्ध रक्त आचूषण हो गया जलौका से, तो दंश स्थान पे हमें तोड़ और कंडलोक्षण दिखाई देंगे। दुर्व में जलौका, जलौका लीज थेरेपी करने के बाद उसका अच्छे से वमन करवाना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं किया तो उसको इंद्रमद नाम का व्याधि होगा जो असाध्य। दुर्व में जलौका अवचारित पुरुष उसको रक्तमत्ता होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सभी जलौका का दंश उसमें क्या यूज करेंगे हम, महागत का प्रयोग उसका पान लेपन से करेंगे। फिर सिरा वेधा, सिरा स्वभावतः चल है, मत्स्यवत परिवर्ती, सिरा वेधा अयोग्य कौन कौन है, आक्षेपक, पक्षाघात, ज्वर, ये तीनों। उपयुक्त शस्त्र क्या है, कुठारिका, गृहिमुख, त्रिकुरुच, सूची। रक्तमोक्षण का वयो मर्यादा कितना है, 16 to 70 years। रक्तमोक्षण प्रमाण परम प्रमाण कितना है, 13.5 पल। दलहन और शरंभन क्या बोलते हैं, कि उत्तम मात्रा 1 प्रस्थ दोनों के हिसाब से, मध्यम आधा प्रस्थ आधा प्रस्थ, हीन मात्रा 1 प्रस्थ 1 कुड़व दलहन के हिसाब से, और शरंभन के हिसाब से 1/4 प्रस्थ, तो सेम ही। दुष्ट वेधा सिरा कितने हैं, 20 है। और रोगानुसार सिरा वेध जो विद्ध कर्म हम लोग करते उसके स्थान यहाँ पे लिखते, पादहर्ष, पाददरी, विपादिका, वातकंटक, वातक्षिप, इन सब में शिप्रम और मृत्यु पर 2 अंगुल। दोस्तुक शीर्षक, खंज, पंगु, वात वेदना, इन सब में गुल्फ संधि के ऊपर 4 अंगुल, रुद्र सिर रहेगा तो जानी के ऊपर और नीचे 4 अंगुल। अपची में इंद्रवस्ती मर्म के नीचे 2 अंगुल, गलगंड में, उरुमुल में, सशूल प्रवाहिका में, श्रोणी आसमंत, श्रोणी के आजू बाजू में, जलोदर में, वाम पार्श्व में, नाभि से 4 अंगुल नीचे, तृतीयक ज्वर में, त्रिको संधि मध्य, चतुर्थक ज्वर में, अंश संधि मध्य मधो भागे, अपस्मार, हनु मध्य, उन्माद और विषम ज्वर में, उरा प्रदेश में, शंख केशांत संधि में। श्रृंग इसके लेंथ और ब्रेड दिए हुए, तो श्रृंग की रुंदी आयत कितना है, 7 अंगुल, लंबाई कितनी है, 8, 10, 12 अंगुल, मुख 3 अंगुल और छिद्र सरसपाकार। अलाबु, अलाबु की लंबाई 12 अंगुल, अलाबु मधुर और तिक्त रसात्मक है, लंबाई 12 अंगुल, परिणाम 18 अंगुल और मुख 3 से 4 अंगुल। घटी यंत्र वाग्भट ने बोला है, वाक को दृष्टि में प्रयोग करने के लिए उसका बोला है। यहाँ पे हमारा सब